न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चौक चौबंद व्यवस्था के बीच जिले की 3 जनपद पंचायत और 284 ग्राम पंचायतों में आज द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 59% मतदान हुआ, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा मतगणना की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दरअसल आज जिले के रीवा, गंगेव और रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत क्षेत्रों में मतदान होना था, जहां पर 5,79,364 लोगों को मताधिकार प्रयोग करना था, मगर वोटिंग प्रतिशत 284 ग्राम पंचायतों को मिलाकर 59% ही रहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान का काम संपन्न हो चुका है, जिससे रीवा जिले के तीनों रीवा, गंगेव, रायपुर, करचुलियान में कुल मिलाकर 59% वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन से जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले के रीवा ब्लॉक में 64.76%, गंगेव में 60.91% और रायपुर करचुलियान ब्लॉक में 51.83% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, तो वहीं 3 बजे तक मतदाताओं को मतदान केंद्र में आने की अनुमति थी, मगर 3 बजे के बाद मतदान परिसर में उपस्थित वोटरों को टोकन बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। इसमें सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है पहले से ही था, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने और डीएम साहब ने मिलकर के इसमें एक पहले से ही उसमें एक अध्ययन किया गया था कि कौन से बूथ जो है क्रिटिकल है, और इसमें पिछले पंचायतों का क्या अनुभव रहा है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट हुई है क्या, या उसमें कोई पुराने मुकदमे कायम हुए हैं क्या, इस तरह से एक गहन अध्ययन किया गया था। और उस अध्ययन से हमने क्रिटिकल पोलिंग बूथ छाट के रखी थी। हमारे यहाँ दूसरे चरण में 3 ब्लॉक, गंगेव, रीवा और रायपुर करचुलियान, इसमें पंचायत का चुनाव संपन्न हो रहा है। अभी तक खैरियत से और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव का मतदान जारी है। इसमें 71 मोबाइल जो सेक्टर मोबाइल हैं, सेक्टरों में बांट के रखा है, और इसी तरह जो है पुलिस की भी मोबाइल हैं, जिसमें कुछ कुछ मतदान केंद्रों को उसको सौंप रखा है, जहां पे उनका भ्रमण लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण में हम लोगों ने अतिरिक्त मोबाइल चला रखी है, और साथ में फिर इसके बाद लास्ट मोबाइल वरिष्ठ अधिकारियों की है, उनके साथ अलग फोर्स है और अलग सेक्टर बटा हुआ है, जहां पे 3 चरणों में हमने सुरक्षा बना रखी है। इसमें कहीं से भी कोई भी सूचना यदि आती है तो हम तत्काल जो है उस पर 5 मिनट के अंदर जो है पहुँच करके और उनको रिजॉल्व करते हैं, ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह की कोई घटना नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और निष्पक्षता के साथ मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है।